हेलो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप 60 बरस के हो चुके हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं, आपके आंखों के नीचे रिंकल्स आ गई है और आप एक अच्छी रिटायरमेंट डिजर्व करते हैं, आपको लेकिन आज ये पता नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और आप इस रिटायरमेंट के फेज को आप अभी से कैसे अप्रोच करोगे, और इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम। इस स्कीम को कुछ सालों पहले तक न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता था, अब इसे नेशनल पेंशन स्कीम कहा गया है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे नेशनल पेंशन स्कीम इस प्रोडक्ट को। और दोस्तों, आगे कुछ भी समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, NPS का अगर मैं आपको ब्रीफ कर दूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल पेंशन स्कीम, अगर आपकी एज 18 से लेके 60 के बीच है तो आप NPS में अपना अकाउंट, NPS स्कीम के लिए आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप एक NRI हैं तो भी आप NPS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बस सिर्फ कंडीशन ये है कि यू शुड बी अ इंडियन सिटीजन। सो लेट्स से यू आर स्टेइंग इन मिडल ईस्ट, आपको NPS में इन्वेस्ट करना आप कर सकते हो, कंडीशन इज यू आर अ इंडियन सिटीजन। तो आप NRI है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस स्क्रीनशॉट की मदद से समझते हैं कि NPS किन एसेट क्लासेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। उसके बाद हम आगे समझेंगे एक्टिव चॉइस क्या है, ऑटो चॉइस क्या है, NPS में आपको क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे आप 4 करोड़ तक इकट्ठा कर सकते हैं NPS में अपने पैसे इन्वेस्ट करके अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि NPS किन एसेट क्लासेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर आप देखोगे ECGA, इट मींस कि अगर आप NPS में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है अपने पैसे इक्विटी एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का। सेकेंड है सी, विच स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। थर्ड है जी, विच इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और आखिरी है ए, जो है ऑल्टरनेट एसेट्स लाइक रिट्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो फ्रेंड्स, अब हमने ये तो जान लिया कि NPS जो है वो किन एसेट क्लासेस में पैसे इन्वेस्ट करता है। तो आइए हम समझते हैं NPS की जो दो वेरियंट्स है, एक है एक्टिव चॉइस और एक है ऑटो चॉइस। आइए डिटेल में जरा इन्हें समझते हैं इस स्क्रीनशॉट की मदद से। अब जब आप एक्टिव चॉइस को सिलेक्ट करते हैं तो ये माना जाता है कि आपको बेसिक नॉलेज है एसेट क्लासेस का। आप समझते हैं कि इक्विटी क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो आप इस चॉइस को तभी सिलेक्ट करते हैं जब आप इन चीज़ों का एक बेसिक नॉलेज रखते हैं। अब मान लो अगर आपने एक्टिव चॉइस सिलेक्ट किया तो क्या होता है, इसमें मैक्सिमम जो आप इक्विटी में अपना निवेश करोगे, मैक्सिमम जो आप सिलेक्ट कर सकते हो वो है 75%। और एज के हिसाब से जो ये इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होते जाता है, और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में जो आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हो वो है 5% ऑफ द टोटल अमाउंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग ईच ईयर और ईच मंथ। तो आइए समझते हैं कि एज के हिसाब से कैसे आपका जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है वो एक्टिव चॉइस में कम होते जाता है। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। अब इस एक्टिव चॉइस में अगर आप 50 ईयर्स की एज तक आप मैक्सिमम 75% जो है आप इक्विटी में डाल सकते हो, लेकिन वही देखिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप 51, 52, 53 जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, यानी जैसे ही आप 50 के ऊपर हो जाते हो, आपका मैक्सिमम जो इक्विटी का जो एलोकेशन है वो कम होते जाता है, 72, 70, 67% एंड सो ऑन। तो ये है एक्टिव क्लास। अब अगर हम बात करें ऑटो चॉइस की, अब ऑटो चॉइस में मान लीजिए कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप NPS में निवेश किए जा रहे हो और आपने ऑटो चॉइस सिलेक्ट किया है, तो ऑटो चॉइस में ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द क्लास दैट यू चूज आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अगेन लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। ऑटो चॉइस की अगर हम बात करें तो आपकी एज के हिसाब से देखिए, इस स्क्रीनशॉट में अगर आप 35 ईयर्स तक है और अगर मान लो आपने एग्रेसिव ऑटो चॉइस में आपने एग्रेसिव ऑप्शन सिलेक्ट किया है,
तो ई एज इन इक्विटी, सी एज इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड जी एज इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो आपका इक्विटी में 75% जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपका 10% जाएगा और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपका 15% जो है पैसा इन्वेस्ट होगा। लेकिन वही अगर आप 40 इयर्स, 45 इयर्स, 50 या 55 इयर्स के हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए इनमें जो है रीबैलेंस हो रहा है, आपका इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होते जा रहा है। सेम यही अगर आप कंजर्वेटिव या मॉडरेट सेलेक्ट करते हो तो आपकी एज के हिसाब से अगर आप देखोगे इस टेबल में तो आपका जो है इक्विटी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम होते जा रहा है। तो ये है एक्टिव चॉइस इन एनपीएस एंड ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस आपका एक अजम्पशन होता है कि आप बेसिक चीज़ें जानते हो और आप मिनिमम, आप मैक्सिमम जो है 75% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो अप टू द एज ऑफ 50। और अगर हम ऑटो चॉइस की बात करें तो उसमें अगेन आपको 3 कैटेगरीज दी गई है, एक है अग्रेसिव, कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट। तो ये जो टेबल है जो मैंने आपको अभी बताया उसके अनुसार आपके जो पैसे हैं ऑटो चॉइस में इन्वेस्ट होते हैं। तो दोस्तों ये तो अब तक हमने समझा कि एनपीएस किन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, एक्टिव चॉइस क्या होता है, ऑटो चॉइस क्या होता है, आपका कितना परसेंट इक्विटी में जाता है एक्टिव चॉइस में, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं कि एनपीएस के कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है टायर वन अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है टायर टू अकाउंट। टायर वन अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये एक रिटायरमेंट अकाउंट माना जाता है, इसमें आप प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर भी सकते हैं लेकिन किन पॉसिबिलिटीज में आप कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर आप उन पॉसिबिलिटीज, अगर आप वो रीजंस की वजह से विड्रॉ नहीं कर रहे हो तो आपको जो है प्री मेच्योर विड्रॉल एनपीएस टायर वन में अलाउड नहीं है। अगेन अगर हम टायर टू की बात करें तो टायर टू में आप, ये वॉलंटरी होता है, लेकिन टायर टू अकाउंट आप तभी खुलवा सकते हो जब आपका टायर वन अकाउंट है तब। अब टायर टू अकाउंट में अगर आप पैसे डालते हो तो दैट इज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, आप जब चाहे तब आप उसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आप टायर टू अकाउंट में से भी अगर आप चाहते हो कि मैंने जो टायर टू अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसका मुझे टैक्स का मैं बेनिफिट उठा सकूँ, मैं उसके जो है इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर मैं उसमें टैक्स का बेनिफिट उठा सकूँ तो आपका मिनिमम लॉक इन पीरियड हो जाता है 3 ईयर्स। यानी टायर टू अकाउंट में से आप 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते हो अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो तो। अगर आप टैक्स बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो टायर टू अकाउंट का तो आप किसी भी समय पर डिपॉजिट कर सकते हो, किसी भी समय पर आप टायर टू अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन टायर वन में आप प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते हो। तो ये थे 2 प्रकार के अकाउंट, टायर वन एंड टायर टू अकाउंट। सो फ्रेंड्स अब हमने ये भी समझ लिया कि कितने प्रकार के एनपीएस अकाउंट्स होते हैं। तो आइए अभी हम समझते हैं कि एनपीएस अकाउंट में निवेश करने से आपको टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है। इसका जो मेन, कई लोग जो एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, एनपीएस एज अ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका मेन कारण यही होता है कि इसमें जो टैक्स सेविंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसमें 3 प्रकार की टैक्स सेविंग होती है। एक तो है ATC, हम समझेंगे डिटेल में, डोंट वरी। एक होता है ATCCD-1B और तीसरा होता है ATCCD-2। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ATC को। अब ATC के लिए अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है तो आप जो है PPF या ELSS या VPF या EPF में भी आप जो है कॉन्ट्रीब्यूट करके अपना ATC का टैक्स सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने साल का 1.5 लाख रुपए तक अगर आपने NPS में भी इन्वेस्ट कर दिया तो आप जो है उस रकम को आप ATC में एज अ टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 1.5 लाख जो कि कॉमन है। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप NPS में करो, आप कहीं और करके भी इसे कर सकते हो। लेकिन अब अगर हम बात करें ATCCD-1B की, तो ATCCD-1B ये एक अलग प्रोविजन होता है जहाँ पे ओवर एंड अबाउ 1,50,000 अगर आप 50,000 रुपीज और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हो NPS में, टायर वन अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये 50,000 रुपीज तक का भी जो है टैक्स बेनिफिट एक्स्ट्रा आप क्लेम कर सकते हो। विच मीन्स कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप जो है 15,000 रुपीज का टैक्स ओवर एंड अबाउ ATC आप और भी सेव कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है ATCCD-2। अब मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहां पे आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आपकी बेसिक सैलरी का 10%, अब आपकी बेसिक, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब मान लो अगर आपकी बेसिक सैलरी है 1 लाख या आपकी बेसिक सैलरी है 10 लाख, आपकी बेसिक सैलरी का 10%, यानी 1 लाख है तो 10,000, 10 लाख है तो 1 लाख, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर, ऑफकोर्स आप ही की सैलरी में से अगर आपका एम्प्लॉयर NPS में कॉन्ट्रीब्यूट करता है द 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, तो वो जितनी भी रकम है वो आप ATCCD-2 में आप एज अ टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो एक होता है ATC,
एक होता है ATCCD-1B और एक होता है ATCCD-2। तो ATC में आप जो बेसिक 1.5 लाख का करते हो वो, ATCCD-1B जो 50,000 ओवर एंड अबाउ 1,50,000, एंड ATCCD-2 विच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी बाय योर एम्प्लॉयर। ऑफकोर्स वो आप ही के CDC का पार्ट होता है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है, तो आपकी इन हैंड सैलरी उतना कम हो जाती है। तो ये थे तीन टैक्स बेनिफिट्स जो आप NPS में इन्वेस्ट करके ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, आइए अब इस स्क्रीनशॉट से देखते हैं कि NPS फंड यानी जो ऐसी कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जो NPS को मैनेज करते हैं। लेट्स लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। जैसे कि यहाँ पे आप नाम देख पा रहे हो, बिरला सन लाइफ, HDFC पेंशन फंड, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड, तो ये कुछ फंड्स हैं जो आप ये नाम देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे जो कि NPS में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं NPS के विड्रॉल की। अब देखिए दोस्तों, अगर हम NPS के विड्रॉल की बात करें तो टायर वन अकाउंट की अगर हम बात करें तो आप प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ जैसे कि मान लो आपको अपने बेटी की शादी करवानी है, आपको कोई अपना घर कंस्ट्रक्ट करना है, या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, अगर आप वैलिड प्रूफ सबमिट करते हो, और भी कुछ रीजंस है, अगर आप वैलिड प्रूफ सबमिट करते हो उसके बेसिस पे आपका जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है NPS में उसका 25% तक आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हो टायर वन अकाउंट से। लेकिन द कंडीशन इज कि वो जो रीजन है वो वैलिड रीजन होना चाहिए, आप ऐसे ही नहीं जाके विड्रॉ कर सकते हो। और इसमें एक और कंडीशन ये है कि आप NPS से 25% जो आप विड्रॉ करते हो पार्शल विड्रॉल, वो आप तभी ही कर सकते हो जब आपने 3 years तक मिनिमम NPS में अपने पैसे कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके बाद ही। तो मिनिमम आपका 3 years का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी जो आप 25% जो आपका अक्रूड अमाउंट है वो आप 25% तक आप विड्रॉ करवा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ है कि आप ये पूरे NPS के टेन्योर में आप सिर्फ 3 ही बार विड्रॉ कर सकते हो, और ये जो टोटल विड्रॉल है ये 25% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको एक ध्यान में रखना है। सो इन शॉर्ट, NPS से गवर्नमेंट जो है प्री मेच्योर विड्रॉल जो है वो ज़्यादा एनकरेज नहीं करती है, क्योंकि ये एक रिटायरमेंट का अकाउंट है, इसीलिए प्री मेच्योर विड्रॉल को लेकर ये रूल्स लागू किए गए हैं। तो अभी हम समझते हैं कि फाइनल विड्रॉल कैसे होगा। अब मान लीजिए आपने बहुत ही यंग एज से NPS में कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, साल का 2 लाख यानी महीने का करीब 16,500 रुपये। अब आप 60 बरस के हो गए, 60 बरस में आपका जो भी कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, ये कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा, आपको कितना पेंशन आएगा, ये हम इसके बाद देखेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका कुछ कॉर्पस जो है 60 की एज में आपका इकट्ठा हो गया है, आप जो है उस कॉर्पस का सिर्फ 60% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जो विड्रॉ करोगे, मान लीजिए किसी इंसान का 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, तो 1 करोड़ का 60 लाख तक जो है वो इंसान टैक्स फ्री 60 इयर्स की एज में, प्री मेच्योर नहीं 60 इयर्स की एज में ही वो विड्रॉ कर सकता है। और बैलेंस जो 40% है वो 40% का उसे कंपलसरीली एन्यूटी प्लान या पेंशन प्लान उसे लेना होगा। एक और चीज, अगर मान लीजिए आपको अपना NPS प्री मेच्योरली आपको स्टॉप करना है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका जो भी, मान लीजिए आप 60 के पहले ही आपको अपना NPS अकाउंट स्टॉप करना है, आपको प्री मेच्योर विड्रॉल तो अलाउड है नहीं, तो गवर्नमेंट मान लीजिए 55 में आपको अपना NPS स्टॉप करना है, तो गवर्नमेंट आपसे ये कहेगी एज पर द रूल इन द NPS कि आपको 80% जो है आपको कंपलसरीली पेंशन प्लान खरीदना पड़ेगा जो भी आपका कॉर्पस अक्यूमुलेट हुआ है उसका, और बैलेंस 20% का ही जो है आप विड्रॉल कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, NPS में NPS को बीच में स्टॉप करना और विड्रॉ करना ये मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम इस स्क्रीनशॉट से समझते हैं कि कैसे कोई इंसान अगर NPS में रेगुलरली पैसे इन्वेस्ट करता है, कैसे एट द एज ऑफ 60 वो अराउंड 4 करोड़ रुपीज इकट्ठा कर सकता है, और उसे कितने पैसे विड्रॉल के समय पे मिलेंगे, और कितने पैसे का जो है उसे पेंशन मिलेगा, और कितना अमाउंट उसे मिलेगा एज ए पेंशन। सो लेट्स लुक एट द स्क्रीनशॉट। सो दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट के अनुसार मान लीजिए कोई इंसान है जो अभी 30 इयर्स का है, और 2 लाख जो है 1,50,000 जो कि ATC में आप क्लेम कर सकते हो, वो मान लीजिए कोई इंसान और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, PPF EPF कुछ भी नहीं कर रहा है, अपने पूरे 1.5 लाख रुपए उठा के जो है NPS में डाल रहा है, प्लस 50,000 रुपीज जो उसे ATCCD-1 में मिलेगा, 1B में, वो भी 50,000 रुपए जो है वो साल के NPS में डाल रहा है, विच मीन्स 2 लाख डिवाइड बाय 12 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 16,500 रुपीज पर मंथ। अगर कोई इंसान 30 years old अगर NPS में डालता है, तो आप ये देख पाओगे कि 30 years forward जब वो इंसान 60 years का होगा, तब उसके पास टोटल NPS में इकट्ठा हो जाएंगे 10% रिटर्न के अनुसार। अगेन देखिए दोस्तों, NPS का रिटर्न PPF या EPF या VPF या सुकन्या समृद्धि योजना की तरह गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, क्योंकि NPS का जो रिटर्न है वो मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स के हिसाब से होता है, तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हमने इस एग्जाम्पल में कंजर्वेटिवली 10% अज्यूम किया हुआ है।
तो 10% रिटर्न के अनुसार उसके पास इकट्ठा हो जाएंगे 4,17,00,000 रुपीज। लेकिन इस 4,17,00,000 रुपीज में से जो है वो इंसान सिर्फ 60% ही विड्रॉ करवा पाएगा, विच इज 2,50,00,000 रुपीज। अब दोस्तों उसके नीचे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस 2,50,00,000 रुपीज की वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं होगी, वो होगी सिर्फ 36,79,000 रुपीज। यानी उस समय पे शायद 2.5 करोड़ आज आपको ज्यादा लगे, लेकिन वो आज का सिर्फ 36-37 लाख रुपीज ही बनेगा। अब अगर हम बात करें पेंशन की, तो जो बैलेंस 40% है वो रहेगा 1,67,00,000 रुपीज, और 6% एन्यूटी रिटर्न के हिसाब से उस इंसान को जो है महीने का, अगर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो इंसान 80 ईयर्स तक सर्वाइव करता है, तो उसे महीने का 1,19,000 रुपीज का पेंशन मिलेगा। अगेन दोस्तों ये 1,19,000 रुपीज शायद आज आपको ज़्यादा लगे, लेकिन 30 ईयर्स बाद आज की वैल्यू 1,19,000 रुपीज की रहेगी सिर्फ 17,500 रुपीज। तो दोस्तों 60% यू कैन विड्रॉ विच इज़ टैक्स फ्री, अगेन 40% का आपको पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। तो यह है एग्जाम्पल कि कैसे एक इंसान 4 करोड़ तक का कॉर्पस NPS से क्रिएट कर सकता है। अगेन दोस्तों क्या आपको NPS में इन्वेस्ट करना चाहिए कि NPS में आपको थोड़ा ज़्यादा टैक्स भर के? देखिए दोस्तों ATCA की अगर हम बात करें तो आप PPF, VPF, टर्म प्लान, ये सब का आप जो प्रीमियम वगैरह भरते हो या आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ATC में दिखा सकते हो। इवन आपका होम लोन का जो आप प्रिंसिपल पेमेंट करते हो वो भी आप ATC में दिखा सकते हो। तो ATC का तो टैक्स सेविंग आप वैसे भी कर सकते हो, आपको NPS की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मेन फर्क पड़ता है वो 50,000 रुपये जो आपको ATCCD-1B में मिलता है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयर जो है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी NPS में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये जो 50,000 है, क्या आप ये कहीं और इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो अगर आपको अपने पैसे NPS में ब्लॉक नहीं करने हैं एट द एज ऑफ 60? इसके बारे में मैं वीडियो फिर कभी बनाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगेन व्हाट इज PPF वर्सेस VPF, EPF क्या होता है, इसके बारे में मैं आगे और भी वीडियोस बनाते रहूंगा। तो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट इन द NPS। अब आपने ये तो समझ लिया कि विड्रॉल में कितना मिलेगा, 60% विड्रॉ कितना होगा, 40% क्या होगा। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि NPS अकाउंट खुलवाने के चार्जेस कैसे होते हैं। आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं, आप ऑफलाइन भी खुलवा सकते हैं। आइए समझते हैं स्क्रीनशॉट की मदद से कि NPS के चार्जेस कितने होते हैं। अगर आप सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी से अगर आप खुलवाते हैं तो आपका जो है चार्जेस थोड़ा कम होता है, बिकॉज दिस इज द ऑनलाइन प्रोसेस। और यही अगर आप फिजिकली खुलवाते तो आपके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, विच इज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। NPS के कई सारे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं, वहाँ पे जाके भी जो है आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था NPS के बारे में। हमने पहले समझा कि NPS किन एसेट क्लासेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, फिर हमने सोचा एक्टिव, फिर हमने समझा एक्टिव चॉइस वर्सेस ऑटो चॉइस, फिर हमने समझा कि NPS में विड्रॉल कैसे टैक्स होता है, 60% और 40% जो है वो कैसे आप निकाल सकते हो, फिर हमने समझा कि NPS में निवेश करने की आपको टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलती है। तो दोस्तों ये था NPS के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला, और इस वीडियो को आप आगे भी जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करेंगे। अगेन दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए आपके स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम हर संडे और वेनेसडे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे वीडियोज जो है पहले देख पाओगे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।